यहाँ पर ऑर्थोपेडिक के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है प्रोस्थेसिस इन ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस। ओके, तो उसके पहले के वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था एम्पुटेशन की, एम्पुटेशन क्या होता है। ठीक है, एम्पुटेशन होने के बाद अपन पर्सन को प्रोस्थेसिस प्रोवाइड करवाते हैं ताकि जो उनका लिम है उससे वो अच्छे से वर्क कर पाए। ठीक है, तो एम्पुटेशन तो अपन ने इसके पहले की वीडियो में पढ़ लिया था, तो अपन आज पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोस्थेसिस। ठीक है, तो जो प्रोस्थेसिस होता है अपन इसको इजीली समझते हैं, जो प्रोस्थेसिस होते हैं वो एक तरह के आर्टिफिशियल डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो अपन इसको डायग्राम से समझते हैं। एक पर्सन है जिसकी जो अपर लिम है इसका एम्पुटेशन हुआ है, एम्पुटेशन यहाँ से हुआ है और तो अपन इसको कहते हैं स्टम्प। तो ये स्टम्प है, स्टम्प के बाद तो जो उसका हैंड था वो तो अपन ने काट के निकाल दिया, एम्पुटेशन कर दिया। उसके बाद अपन यहाँ पर इसको एक आर्टिफिशियल डिवाइस लगाएंगे, मतलब एक आर्टिफिशियल लिम्ब लगाएंगे जिसको अपन ने कहा है प्रोस्थेसिस। ओके, उसी तरह से एक लोअर लिम्ब का है, तो लोअर लिम्ब का भी यहाँ पर एम्पुटेशन हो गया है, मतलब यहाँ पर ये स्टम्प है और यहाँ पर अपन ने इसको आर्टिफिशियल लिम्ब लगा दिया है, तो इसको अपन कहते हैं प्रोस्थेसिस। तो प्रोस्थेसिस का मतलब है आर्टिफिशियल लिम्ब। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है उसको अपन पढ़ते हैं। प्रोस्थेटिक्स इज अ यूनिट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन डीलिंग विथ अ रिप्लेसमेंट ऑफ होल और अ पार्ट ऑफ अ मिसिंग एक्सट्रीमिटी विथ एन आर्टिफिशियल डिवाइस। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो प्रोस्थेसिस है, प्रोस्थेसिस रिहेबिलिटेशन मेडिसिन का एक, मतलब रिहेबिलिटेशन मेडिसिन की एक यूनिट है जो आर्टिफिशियल डिवाइस के, जो आर्टिफिशियल डिवाइस के साथ पूरे या एक मिसिंग एक्सट्रीमिटी के रिप्लेसमेंट के साथ काम करती है। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो मिसिंग एक्सट्रीमिटी है उस जगह पे अपन यहाँ पर आर्टिफिशियल डिवाइस लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड इज कॉल्ड अ प्रोस्थेसिस। तो इस तरह के मैन्युफैक्चर डिवाइस को अपन यहाँ पर प्रोस्थेसिस कहते हैं। प्रोस्थेसिस अपन समझ गए क्या होता है, आर्टिफिशियल डिवाइस होता है। उसके बाद यहाँ पर आता है, यहाँ पर प्रोस्थेसिस क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन के बाद अपन देखेंगे यूजेस ऑफ प्रोस्थेसिस, उसके बाद पार्ट्स ऑफ प्रोस्थेसिस और कॉमनली यूज प्रोस्थेसिस। ओके, तो यहाँ पर आता है अब यूजेस ऑफ प्रोस्थेसिस के, प्रोस्थेसिस का यूज़ क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ प्रोस्थेसिस मे बी यूज टू रिप्लेस अ बॉडी पार्ट एक्सटर्नली एंड इंटरनली। एक्सटर्नली किस तरह से, मतलब बॉडी के बाहर आर्टिफिशियल लिम्ब, और इंटरनली मतलब बॉडी के अंदर जैसे कि आर्टिफिशियल हिप जॉइंट। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है यूजेस ऑफ प्रोस्थेसिस के अंदर बॉडी के किसी भी पार्ट को एक्सटर्नली या इंटरनली तरीके से रिप्लेस करने के लिए प्रोस्थेसिस का यूज़ किया जाता है। प्रोस्थेसिस मतलब आर्टिफिशियल डिवाइस। ठीक है, तो एक्सटर्नली अपन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं प्रोस्थेसिस को, जैसे कि आर्टिफिशियल लिम्ब लगाकर, जो कि अपने अभी डायग्राम में देखा था अपर लिम्ब का और लोअर लिम्ब का, किस तरह से अपन आर्टिफिशियल लिम्ब लगाते हैं। और इंटरनली अपन यूज़ कर सकते हैं प्रोस्थेसिस को, जैसे कि आर्टिफिशियल हिप जॉइंट, जो हिप जॉइंट होता है ना वहाँ पर आर्टिफिशियल डिवाइस लगवाना। ठीक है, तो आर्टिफिशियल हिप जॉइंट जैसे कि इंटरनली अपन यूज़ कर सकते हैं, तो ये यूज़ होता है प्रोस्थेसिस का। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग अ पास्ट टू डिकेड्स कंसिडरेबल प्रोग्रेस हैज अकर्स इन प्रोस्थेटिक्स एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एम्पुटी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है पास्ट टू डिकेड्स क्या हो रहा है ना, पास्ट टू डिकेड्स से प्रोस्थेसिस एंड एम्पुटी के रिहेबिलिटेशन में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, मतलब प्रोग्रेस होती जा रही है पास्ट टू डिकेड्स से रिहेबिलिटेशन एंड प्रोस्थेटिक्स में। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है इम्प्रूव मटेरियल न्यू डिज़ाइन एंड बेटर एवेल्यूशन एंड फिटिंग टेक्निक्स हैव रिजल्ट्स इन प्रोस्थेसिस डेट आर लाइटर एंड स्ट्रोंगर एंड प्रोवाइड इम्प्रूव्ड फंक्शन कॉस्मेसिस एंड कम्फर्ट। तो यहाँ पर प्रोस्थेसिस के बारे में ये लिखा हुआ है कि इम्प्रूव मटेरियल न्यू डिज़ाइन एंड बेटर एविलेशन एंड फिटिंग टेक्निक के कारण जो प्रोस्थेसिस है वो लाइटर बन रहे हैं, स्ट्रोंगर होते जा रहे हैं। ठीक है, और जो फंक्शंस इम्प्रूव, और ये जो है ये सब फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं और कॉस्मेसिस एंड कम्फर्ट जो पेशेंट को देते हैं। ओके, बाय एंड लार्ज प्रोस्थेटिक्स रिप्लेसमेंट ऑफ द लोअर लिम्ब ऑफर्स एक्सलेंट रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शंस एंड द कॉस्मेटिक अपेरेंस इज सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है लोअर लिम्ब का प्रोस्थेटिक जो रिप्लेसमेंट अपन करते हैं वो, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। लोअर लिम्ब का प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट फंक्शंस को एक्सलेंट रिस्टोरेशन देता है और कॉस्मेटिक अपेरेंस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री होती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ एवर प्रोवाइडिंग प्रोस्थेसिस
फॉर अपर लिम इज़ मोर डिफिकल्ट, तो अपर लिम के लिए जो प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं वो थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है, लोअर लिम में थोड़े ईजी हो जाते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैकेनिकल डिवाइस टू रिप्रोड्यूस द वर्सलिटी एंड और डेस्टिलिटी एंड अपेरेंस ऑफ द नेचुरल हैंड। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एक जो मैकेनिकल डिवाइस होता है, एक मैकेनिकल डिवाइस के लिए नेचुरल हैंड की वर्सलिटी डेस्टिलिटी एंड अपेरेंस को रिस्टोर करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल डिवाइस है इसलिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम फॉर अ पेशेंट विद एम्पुटेशन इज टू ओरिएंट द पेशेंट रियलिस्टिकली एज अ वॉट द प्रोसेसिस कैन एंड कैन नॉट डू। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है, एम्पुटेशन वाले पेशेंट, मतलब जिस पर्सन ने एम्पुटेशन करवाया है, एम्पुटेशन वाले पेशेंट के लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ये होता है कि पेशेंट को रियलिस्टिक ओरिएंटेशन करना कि जो प्रोसेस है वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब अपन पेशेंट को बताते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आता है, अ प्रोस्थेसिस कैन बी कॉस्मेटिक और फंक्शनल। कॉस्मेटिक टू प्रोवाइड नॉर्मल अपेरेंस, जो कॉस्मेटिक जो प्रोस्थेसिस होते हैं वो नॉर्मल अपेरेंस प्रोवाइड करवाते हैं, एंड जो फंक्शनल जो है टू प्रोवाइड फंक्शंस ऑफ द मिसिंग पार्ट, जो मिसिंग पार्ट होता है बॉडी का वहाँ पर वो जो है वो फंक्शंस प्रोवाइड करवाते हैं प्रोस्थेसिस, ओके। उसके बाद यहाँ पर आता है, द प्रोस्थेसिस डस नॉट हैव सेंसेशन प्रोप्रियोसेप्शन एंड मसल पावर। जो प्रोस्थेसिस होते हैं वो आर्टिफिशियल डिवाइस होते हैं, तो वो आर्टिफिशियल डिवाइस होते हैं इसलिए वहाँ पर कोई सेंसेशन फील नहीं होती, प्रोप्रियोसेप्शन नहीं होते एंड मसल्स पावर भी वहाँ पर नहीं होती है, ओके। उसके बाद यहाँ पर है, द पावर इज प्रोवाइडेड टू अ प्रोस्थेसिस बाय फोर्स अराइजिंग फ्रॉम मूवमेंट ऑफ द रेजिडुअल और अदर साइड लिम। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो प्रोस्थेसिस है उसको जो पावर है वो किस तरह से प्रोवाइड होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक प्रोस्थेसिस को पावर रेजिडुअल और अदर साइड लिम के मूवमेंट से अराइज पावर से प्रोवाइड की करवाई जाती है, मतलब रेजिडुअल और अदर साइड के लिम के मूवमेंट से अराइज होता है फोर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस आर कॉल्ड बॉडी पावर प्रोसेसेस, इसलिए अपन इसको बॉडी पावर प्रोसेसेस कहते हैं। इन अदर एंड एक्सटर्नल फोर्स ऑफ पावर यूजुअली रिचार्जेबल बैटरीज इज यूज्ड। और यहाँ पर जो प्रोसेसेस होता है ना उसके मूवमेंट्स के लिए यहाँ पर अपन पावर का भी यूज़ कर सकते हैं, पावर का एक्सटर्नल सोर्स, मतलब किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से अपन पावर देके उनको उनके मूवमेंट करवा सकते हैं। यूजुअली रिचार्जेबल बैटरीज इज़ यूज्ड, तो इसके लिए अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, रिचार्जेबल बैटरीज, मतलब उसको चार्ज कर लो और यूज़ कर लो, फिर चार्ज कर लो फिर यूज़ कर लो, इस तरह के भी प्रोसेसेस अपन को यहाँ पर मिलते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, बॉडी पावर प्रोसेसेस, ओके। उसके बाद यहाँ पर आता है, पार्ट्स ऑफ अ प्रोसेसेस, प्रोसेसेस के पार्ट्स, पहले अपन ने उसके यूज़ पढ़ा है, अब देखेंगे कि प्रोसेसेस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो अपन इसको डायग्राम के साथ पढ़ते जाएंगे। द प्रोसेसेस कंसिस्ट ऑफ अ सॉकेट, जो प्रोसेसेस होता है उसके अंदर सॉकेट होता है, ये रहा सॉकेट, ओके। डिजाइंड टू बी इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ द स्टम्प, ठीक है। तो जो प्रोसेसेस में एक सॉकेट होता है जिसे स्टम्प के क्लोज कॉन्टैक्ट में होने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, तो क्लोज कॉन्टैक्ट बनाता है ये सॉकेट। उसके बाद सस्पेंशन टू होल्ड द सॉकेट टू द स्टम्प, जो सस्पेंशन क्या होता है, सॉकेट को स्टम्प पर होल्ड करने के लिए सस्पेंशन होता है, ठीक है, ये होता है सस्पेंशन, जो कि क्या करता है, सॉकेट को स्टम्प पर होल्ड करके रखता है। उसके बाद आता है प्रोस्थेटिक एक्सटेंशन विथ सब्स्टिट्यूट जॉइंट्स एंड अ टर्मिनल डिवाइस, सब्स्टिट्यूट जॉइंट के साथ प्रोस्थेटिक एक्सटेंशन और टर्मिनल डिवाइस यहाँ पर होते हैं, ठीक है, ये रहे यहाँ पर टर्मिनल डिवाइस। उसके बाद यहाँ पर आता है, द सॉकेट्स आर शेप्ड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द स्टम्प, तो स्टम्प के शेप के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सॉकेट का शेप बनवाया जाता है, क्योंकि सॉकेट यहाँ पर होता है तो स्टम्प का जो मतलब स्टम्प का जो शेप होगा वही सॉकेट के शेप के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आता है, दिस कुड बी एंड बियरिंग सॉकेट वेयर एंड ऑफ द स्टम्प बियर्स द वेट और टोटल कॉन्टेक्ट सॉकेट वेयर द वेट इज़ डिस्ट्रीब्यूट इवेंटली थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द सॉकेट, ठीक है। तो यहाँ पर दो सॉकेट है, एक तो है एंड बियरिंग सॉकेट और एक है टोटल कॉन्टेक्ट सॉकेट, ठीक है। तो एंड बियरिंग सॉकेट क्या होता है,
तो एंड बियरिंग सोकेट के अंदर यहाँ पे ये होता है कि तो यहाँ पे जो है स्टम के एंड में वेट होता है, ठीक है। और टोटल कॉन्टैक्ट सॉकेट के अंदर क्या होता है ना, यहाँ पर वेट सॉकेट के सरफेस पे इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पर तो इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट होता है और यहाँ पर क्या हो रहा है ना, स्टम के एंड में वेट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है सॉकेट, द सॉकेट इज़ द फंडामेंटल कंपोनेंट टू विच द रिमेनिंग कंपोनेंट आर अटैच्ड। तो जो सॉकेट होता है, सॉकेट एक फंडामेंटल कंपोनेंट होता है जिसमें रिमेनिंग कंपोनेंट अटैच होते हैं, ठीक है। रिमेनिंग कंपोनेंट अटैच होते हैं, मोस्ट सॉकेट आर डबल वोल्ड। तो कुछ सॉकेट के अंदर यहाँ पर अपन को डबल वोल्ड देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर है अ प्लास्टर कास्ट मॉडलिंग ऑफ द स्टम्प इज यूज्ड टू फैब्रिकेट द सॉकेट फॉर ऑप्टिमल फिट फंक्शन एंड कंफर्ट। तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है ऑप्टिमल फिट फंक्शन एंड कंफर्ट के लिए सॉकेट बनाने के लिए स्टम के प्लास्टर कास्ट मॉडलिंग का यूज़ किया जाता है। स्टम के अंदर क्या यूज़ करेंगे, प्लास्टर कास्ट मॉडलिंग का यूज़ किया जाता है। किसके लिए, ऑप्टिमल फिट के लिए, फंक्शन के लिए एंड कंफर्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पर है ट्रेडिशनली द टर्मिनल डिवाइस ऑफ अ लोअर लिम प्रोस्थेसिस इज द प्रोस्थेटिक फुट्स कॉल्ड SACH फुट। तो ट्रेडिशनली क्या होता है, ट्रेडिशनली तरीके से लोअर लिम का टर्मिनल डिवाइस जो है वो एक प्रोस्थेटिक फुट होता है, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, SACH फुट कहा जाता है, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनली तरीके से एक टर्मिनल डिवाइस है लोअर लिम का। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ अ सिंपल डिवाइस डेट हैज़ अ वुडन कोर सराउंडेड बाय अ सॉलिड रबर फुट। तो ये एक तरह का सिंपल डिवाइस होता है जो कि किस तरह से बनाया हुआ होता है, वुडन कोर सराउंडेड बाय अ सॉलिड रबर फुट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है दिस परमिट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिफनेस विथ पेरिएबिलिटी। तो ये क्या करता है, ये पेरिएबिलिटी के साथ स्टिफनेस मतलब स्टिफनेस के कॉम्बिनेशन को परमिट करता है, ओके। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है द कुशन्ड हील्ड एब्जॉर्ब द कॉम्पैक्ट ऑफ हील स्ट्राइक। तो कुशन जो हील होती है ना वो एब्जॉर्ब कर लेती है इंपैक्ट ऑफ हील स्ट्राइक को। इन इंडिया द जयपुर SACH फुट हैज़ बीन मॉडिफाइड इन अ नंबर ऑफ वे टू मेक इट सुटेबल फॉर बियर फुट वॉकिंग। तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है इंडिया में जयपुर में SACH फुट जो है SACH फुट को बेयर फुट वॉकिंग करने के लिए सुटेबल बनाने के लिए इसके अंदर कई तरीके के मॉडिफिकेशन किए गए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से मॉडिफिकेशन है यहाँ पर लिखा हुआ है, एसेंशियल दिस मॉडिफिकेशन आर अपीयरेंस ऑफ फुट इज डेट ऑफ द नॉर्मल फुट एंड इट अलाउस मूवमेंट एट फोर फुट एंड मिड फुट मेकिंग वॉकिंग ऑन अन इवन सरफेस ईजियर। तो इसके मॉडिफिकेशन के अंदर ये किया गया, इसके अंदर ये मॉडिफाई किया गया कि जो इसके अपेरेंस है प्रोसेसेस की उसको नॉर्मल फुट की तरह बनाया है। और उसके बाद एक और इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया है वो है ये फोर फुट एंड मिड फुट के मूवमेंट को अलाउ करता है ताकि अनइवन सरफेस पर वॉकिंग करना जो है वो पेशेंट के लिए काफ़ी ईजी हो जाए, मतलब वो अनइवन सरफेस पर भी ठीक से चल पाए। सिमिलरली फॉर अ अबोव नी एम्पुटी अ प्रोसेसेस हैज़ बीन डेवलप्ड एट एम्स न्यू दिल्ली विच परमिट्स स्क्वेटिंग एंड सिटिंग क्रॉस लेग्ड। तो यहाँ पर इस तरह से मतलब सिमिलरली अबोव नी के एम्पुटी के लिए एम्स न्यू दिल्ली में एक प्रोसेसिंग डिवाइस किया गया, मतलब उसको डेवलप किया गया जो सिटिंग क्रॉस पोजिशन को परमिट करता हो, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में आता है कॉमनली यूज्ड प्रोसेसेस के, अपन कॉमनली कौन से प्रोसेसेस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अबोव नी एम्पुटेशन, बिलो नी एम्पुटेशन प्रोसेसेस, ये प्रोसेसेस है, ठीक है। जो अबोव नी एम्पुटेशन, बिलो नी एम्पुटेशन प्रोसेसेस, सिम्स एम्पुटेशन, क्वाड्रिलेटरल सॉकेट प्रोसेसेस, PTB पैटेलल टेंडन बियरिंग कॉन्डियल सिम्स प्रोसेसेस। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।